बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जी हाँ दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की एक और नई क्लास में आप सभी का वेलकम है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए यूट्यूब पे स्पोकन इंग्लिश सिखाने के लिए आप सबसे बेस्ट चैनल पे हैं। चलिए बात करते हैं आज हम कौन सी क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में। दो वर्ड्स आपने बहुत अपनी लाइफ में सुने होंगे, चाहे वो आपकी स्कूल लाइफ रही हो या प्रैक्टिकल लाइफ में रोज मर्रा की जिंदगी में भी इन वर्ड्स को काफी बार सुनते हैं। अच्छे से इसका यूज आज हम जानेंगे। इंग्लिश बोलते समय इनका क्या यूज है, कैसे इनको यूज किया जा सकता है, कैसे बोला जा सकता है, उसी को लेकर आज की हमारी क्लास रहेगी। हाउ मेनी और हाउ मच को हम दो तीन पैटर्न के सेंटेंस बना करके सीखेंगे कि किस तरीके के सवाल इससे पूछे जा सकते हैं और हम किस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज चलिए बात करते हैं हाउ मेनी और हाउ मच के साथ। तो मैं सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा, क्योंकि दोनों का मतलब ही हिंदी में अगर हम देखें तो दोनों का ही मतलब है कितना, कितनी या कितने। तो दोनों का मतलब ही जब कितना, कितनी, कितने हैं, तो हमें कब हाउ मेनी यूज करना और कब हाउ मच यूज करना है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि आज के बाद में इससे रिलेटेड आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाउ मेनी कब यूज करना है और हाउ मच आपको कब यूज करना है। तो चलिए बात करते हैं। हाउ मेनी आपको तब यूज करना है जब आपके सवाल में, आपके सवाल में ऐसी चीज के बारे में पूछा जाए जिसको हम काउंट करके बता सकते हैं, गिन करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, तो आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं और काउंट करके बता सकते हैं कि मेरे पास एक या दो या तीन या चार जितनी भी बुक्स हैं वो मेरे पास हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये पूछूं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप मुझे काउंट करके बता सकते हैं, एक दो तीन चार पांच जितने भी मेंबर आप काउंट कर सकते हैं। मैंने पूछा कि आपके स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आप मुझे काउंट करके बता सकते हैं। ठीक वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम काउंट करके बता सकते हैं। अगर काउंट करके जवाब दिया जा सकता है तो उस चीज के बारे में पूछने के लिए हमें क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हाउ मच कब यूज करना है। देखिए, हाउ मच हम तब यूज करते हैं जब आप सवाल पूछते समय किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। आप उसको 1 2 3 एक दो तीन में गिन नहीं सकते उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूध के बारे में पूछूं या पानी के बारे में पूछूं कि टंकी में कितना पानी है या बोतल में कितना पानी है, तो आप जब जवाब देंगे तो आप पानी को गिन नहीं सकते कि एक पानी या दो पानी या तीन पानी। या आप, मैं बात करूं दूध की टोपी में कितना दूध है या किसी बोतल में या गिलास में कितना दूध है, तो कभी भी आप काउंट करके नहीं बता सकते कि एक दूध पड़ा है कि दो दूध है कि तीन दूध है, ऐसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात यहां पे ये समझनी है हमें कि हाउ मेनी आपको तब यूज करना है जब जवाब देने के लिए जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको गिना जा सकता है, लेकिन हाउ मच आपको तब यूज करना है जब जिस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में जब जवाब दिया जाएगा तो उस चीज को गिना नहीं जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसके साथ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहले टाइप का पैटर्न लेते हैं और उसके साथ बातें करते हैं, फिर हम एक दो और पैटर्न लेंगे जिनके साथ हाउ मेनी और हाउ मच को यूज किया जाता है। चलिए हाउ मेनी के साथ पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके पास कितने मोबाइल हैं, आपके पास कितने मोबाइल हैं, तो सिंपल सी बात है मोबाइल को आप गिन सकते हैं, एक है दो है तीन है चार है जितने मोबाइल हैं तो आप गिन सकते हैं। तो जब आप गिन सकते हैं तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हाउ मेनी से पूछेंगे। तो क्या पूछूंगा सवाल, हाउ मेनी। अब देखिए जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं वो यहां पर आप यूज करेंगे हाउ मेनी मोबाइल्स। हाउ मेनी मोबाइल्स यहाँ पे आप यूज कर लीजिएगा। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, डू यू हैव, या किसी और इंसान के बारे में पूछ रहे हैं तो उसका इंसान का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, आपके पास कितने मोबाइल हैं। अब जवाब क्या आएगा, आप मान लीजिए यही सवाल मैंने आपसे पूछा अभी के अभी
कि हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। आप इस बात को रिपीट कीजिए, बोल के देखिए, क्योंकि बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स राइटिंग, खेलने से खेलना आता है, प्लेइंग कम्स प्लेइंग। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बोलिए, सही गलत का टेंशन लिए बिना, क्योंकि सही गलत के टेंशन में अगर आप एक बार बोलना बंद कर देंगे तो आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बिना टेंशन के बोलने की शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, जवाब कैसे दिया जाएगा? आप कहेंगे सर मेरे पास हैं कितने भी मोबाइल, तो आप बोलेंगे आई हैव। अब जितने भी मोबाइल आपके पास है वो बताएंगे, जैसे आपने कहा सर मेरे पास दो मोबाइल्स हैं, तो आई हैव टू मोबाइल्स, आई हैव टू मोबाइल्स, ठीक है ना, और ये आपने जवाब दे दिया, ठीक है, आई हैव टू मोबाइल्स। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास कितनी नई ड्रेसेस हैं, तो हाउ मेनी न्यू ड्रेसेस। यहाँ पे जिस चीज के बारे में आपको जानना है उस चीज का नाम आपको हाउ मेनी और हाउ मच के बाद में ऐड करना होता है। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर चीज का जवाब गिन के दिया जा सकता है तो हाउ मेनी से क्वेश्चन रहेगा, और अगर गिन के नहीं दिया जा सकता तो क्वेश्चन हाउ मच से रहेगा। तो हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, हाउ मेनी न्यू ड्रेसेस, नई ड्रेसेस कितनी है, तो हाउ मेनी न्यू ड्रेसेस डू यू हैव। आपके पास कितने पेन है, तो हाउ मेनी पेन डू यू हैव। तो ठीक इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि हाउ मच के साथ सवाल कैसे बनाए जाएंगे। हाउ मच के साथ अगर आपको सवाल समझ में है तो पहले आपको मैं एक बात बताता हूं, उसको समझिए, तो उसके बाद में आपको हाउ मच समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है कि टंकी में कितना पानी है, आप टंकी के पास ही खड़े हैं, आप उसको खोल करके देख सकते हैं, तो आपकी मम्मी जब आपसे पूछेगी कि टंकी में कितना पानी है तो सवाल कैसे रहेगा, हाउ मच। यहाँ पे आप जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं उसी को आप एड करेंगे, हाउ मच वॉटर इज देयर, ठीक है ना, हाउ मच वॉटर इज देयर इन टैंक। तो इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। ये दूसरा पैटर्न है, हाउ मच वॉटर इज देयर इन टैंक। अब देखिए यहाँ पे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर ये पूछना चाहूं कि बोतल में कितना दूध है, बोतल में कितना दूध है, हाउ मच मिल्क, क्योंकि मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते और वॉटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। और थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि हाउ मच आपको कब यूज करना है, जब आप ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं जहां पे आप जिस चीज के बारे में बात चल रही है उसको काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच वॉटर इज देयर इन टैंक। दूसरा सवाल लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, हाउ मच मिल्क इज देयर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन वॉटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सवाल और बना सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल बना करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए, ये जो इज देयर इन टैंक और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं इनका जवाब देने का पैटर्न सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने जवाब दिया कि जो हाउ मच वॉटर इज देयर इन टैंक, तो आपने कहा पानी की टंकी फुल है, तो आपने क्या कहा, टैंक इज फुल ऑफ वॉटर। तो इस तरीके से आपने जवाब दे दिया, ठीक है ना, फुल है तो आपने फुल बोल दिया। अगर आधी होती तो यहां पे आप हाफ यूज कर लेते, हाफ, आप यहां पे हाफ यूज कर लेते। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अभी इस हाउ मेनी के साथ भी इस तरीके के क्वेश्चन हम बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे जानना चाहूं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, ये जानना चाहता हूं मैं, तो आपकी फैमिली के अंदर जो मेंबर है उनको तो आप काउंट कर सकते हैं, और अगर फैमिली के मेंबर को काउंट कर सकते हैं तो क्वेश्चन हाउ मच से नहीं, हाउ मेनी से बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चलिए, हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, इन योर फैमिली। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो ये सवाल आपने जैसे ही पूछा या किसी और ने आपसे पूछा तो आप जवाब क्या देंगे कि मेरी फैमिली के अंदर 5 या 10 या जितने भी मेंबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे। जवाब देने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले आप बोलेंगे देयर आर। आप देखिए जितने भी मेंबर है उन मेंबर्स को आप यहां पर एड कर देंगे। मान लीजिए आपने कहा 5 मेंबर है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, 5 मेंबर्स, क्या बोलेंगे, 5 members, there are 5 members in my family, in my family। तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि there are 5 members in my family। अगर यही सवाल आपसे आपकी क्लास के बारे में पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी
स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पे, मेंबर्स की बजाय क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आप ऐड कर लेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर फैमिली की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए चेंज कर लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ठीक है ना। तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, देयर आर, मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट्स हैं, तो देयर आर 15 स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, देयर आर 15 स्टूडेंट्स, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माई फैमिली के बजाय जवाब में भी आपका आ जाएगा क्लास। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हाउ मेनी और हाउ मच के साथ, उनको बनाने की आप कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप जितना ज्यादा इन फॉर्मेट के अंदर आप बनाएंगे तो उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो ये अपनी क्लास थी हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में, और भी बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हमने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड कर रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बाकी जो डब्ल्यूएच वर्ड है उनकी क्लासेस भी आपको आगे मिलती रहेगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, लगातार इस कोर्स में जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू।